शैक्षिक समाचार, खबर पिलानी से है। बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी के तत्वाधान में प्रिंसिपल प्रेस मीट का आयोजन। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी के तत्वाधान में प्रिंसिपल मीट का आयोजन रखा गया, जिसमें बिरला पब्लिक स्कूल, बिरला बालिका विद्यापीठ, बिरला स्कूल, बिरला शिशु विहार तथा बिरला पब्लिक स्कूल किशनगढ़ अजमेर एवं बिरला पब्लिक स्कूल गंगानगर के प्रिंसिपल ने विद्यालय के बोर्ड परीक्षा परिणाम और स्कूल की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उल्लेखनीय है, सन 1929 में स्थापित बिरला एजुकेशन ट्रस्ट की गतिविधियों का कुशल नेतृत्व एवं संचालन श्रीमान सुदर्शन कुमार जी बिरला कर रहे हैं। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं बीटी डायरेक्टर मेजर जनरल एसएस नायर के पास, जिन्होंने विख्यात विद्यालयों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर क्या कहा। हमारे बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के जो 6 स्कूल्स हैं, इन स्कूलों का सीबीएसई का क्लास 10 और क्लास 12 का जो परीक्षा परिणाम हाल ही में अनाउंस हुआ है, उसके बारे में प्रेस को बताना और हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। हरेक बच्चे जिसने भी एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है, वो सब पहले तो पास हुआ है, वो तो मामूली बात है। सारे बच्चे फर्स्ट क्लास से ऊपर पास हुआ है और काफ़ी बच्चे कुछ सब्जेक्टों में 100 से 100 लिया है। हमारा एक दो स्कूल में जो स्कूल का एवरेज है जो है वो 84-85 तक गया है। इसका मतलब 12वीं कक्षा में ऐसे कोई बच्चा नहीं है कि वो 84 मार्क एवरेज 84 से नीचे लिए हो उस प्रकार का। सो रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा और इस साल का रिजल्ट महत्वपूर्ण इसलिए है, जो पैंडेमिक के बाद पहला सही मायने पर टीचिंग, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन और रिजल्ट निकला है। और ये रिजल्ट हमारे स्कूलों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल ने एडवर्स परिस्थिति में, क्योंकि बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी वो पैंडेमिक का जो असर है उससे पूरा बाहर आया नहीं है। खासकर 3 घंटे एक रूम में बैठ के 3 घंटे कलम पकड़ के लिखना, ये आदत बच्चों का अभी भी वापस नहीं आया है। 15 मिनट के बाद वो खात थक जाता है। सो ये जो चीज़ है। दूसरा, सीबीएसई जो एनईपी का जो आने वाला जो अनाउंसमेंट हुआ है, उसका तैयारी में क्वेश्चन पेपर्स में भी काफ़ी बदलाव किया है। अभी कोई रट्टा मार के जाके 25 क्वेश्चन रट्टा मार लिया, वो जाकर लिख दिया और पास हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे चीज़ों के बारे में प्रिंसिपल्स लोग ज़्यादा तरीके विस्तार से बोल सकता है। सो एग्ज़ाम में मार्क लेना इस बार पहले बार सालों से मुकाबले और कठिन था, इसके बावजूद हमने अच्छा रिजल्ट किया है। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ जो बता रहा हूँ, जो हमारा जो एडमिशन सीज़न था इस साल, कोरोना के टाइम पर हमको काफ़ी परेशानी हुआ था, लेकिन ये देखने में आया है हमारे स्कूल, सारे स्कूल तुरंत ही, केवल मेरे ख्याल एक साल के अंदर कोरोना के पहले जो हमारा स्ट्रेंथ जितना था उतने में पहुंच जाएगा। इस साल काफ़ी एडमिशन अच्छा रहा है हमारे बोर्डिंग स्कूल्स में और डे स्कूल में, सभी जगह पर। ये दोनों हमारे लिए हर्ष की बात है। सर, आने वाले सत्र में क्या नया कर रहे हैं, कुछ बदलाव या कुछ शिक्षा में नया? हमारे स्कूल बीटी और हमारे स्कूलों का खासियत यही है कि हर साल हम कुछ ना कुछ नया करता ही हैं। इस साल और आने वाले सालों के लिए गवर्नमेंट ने भी जो एनईपी 2020 का अनाउंसमेंट कर दिया है और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब 3री कक्षा से लेकर 6वीं तक, 3री उम्र से लेकर 6 तक, 3 साल के लिए, और
उसके लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिटेल जो NEPA एक बहुत छोटा सा डॉक्यूमेंट है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने बहुत प्रोफाउंड एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट में छोटे छोटे टुकड़े में बांध के हर एक लेवल पर स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसका एक डॉक्यूमेंट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। उसका जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का ऑलरेडी आ चुका है और हमारे टीचर्स ने उसको पढ़ लिया है, उसको क्लासेस में कैसे लाना है उसका तैयारी में लगा हुआ है। और हायर के लिए स्कूल एजुकेशन के लिए जो NCF का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट रिलीज हो चुका है और गवर्नमेंट ने हमको बोला है कि आप लोग इसको पढ़ कर देखो और आपका सुझाव भेजिए जो NCF और स्कूल एजुकेशन में और सुझाव क्या क्या कर सकता है। सो अगले साल हमारा काम यही है कि NEP का इम्प्लीमेंटेशन करना, साथ साथ जो है स्किल डेवलपमेंट, हमारे बच्चे स्कूल से निकलने के बाद लाइफ रेडी होना चाहिए। एक बच्चे को एंटरप्रेन्योर कैसे बना सकता है, नौकरी ढूंढ के घूमते न रहें, अपना नौकरी या अपना कोई व्यवसाय शुरू करना या कुछ भी हो खुद का और उसके साथ साथ एक दो आदमी का और नौकरी देने का काबिल उस दिशा में है। और तीसरा जो है आपको सबको मालूम है कोरोना के टाइम पर टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ, आप लोगों के बिजनेस में भी टेक्नोलॉजी काफ़ी हमारे इसमें भी टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना, टेक्नोलॉजी का स्लेव बनना नहीं है, टेक्नोलॉजी के मदद से शिक्षा को कैसे आगे ले जाए, टेक्नोलॉजी का मदद टीचर्स को कैसे दिला दें, टेक्नोलॉजी का मदद स्टूडेंट्स को कैसे मिले, ये दो तीन दिशाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू।